हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें आफ्टर इफेक्ट में, अडोबे आफ्टर इफेक्ट में हमें शेक का इफ़ेक्ट होता है वो कैसे दें। शेक का इफ़ेक्ट ऐसा होता है जिसमें हम नॉर्मली शूट तो कर लेते हैं ट्राइपॉड पर रखकर, लेकिन बाद में हमें जब उसे ऐसा दिखाना होता है जैसे कि उसे हाथ से पकड़कर उसे कैमरे को हैंडल किया गया है, तो उसमें हल्का हल्का एक शेक आता है। ये शेक काफ़ी अच्छा एक्शन को बताता है, एक्शन फिल्मों में और कई एड में आपने इसे देखा होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि शेक इफेक्ट कैसे देते हैं अडोबे आफ्टर इफेक्ट CS5 में। सबसे पहले हमने आफ्टर इफेक्ट को ऑन कर दिया है और अब हम जाएंगे सबसे पहले प्रोजेक्ट में। ये देखिए, प्रोजेक्ट क्लिक किया, यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे इंपोर्ट फाइल, या कंट्रोल आई भी कर सकते हैं। फाइल चूज़ करेंगे जिस फाइल में भी हमें शेक इफेक्ट देना है, ये फाइल यहाँ पर आ गई। अब मैं इसके आइकॉन को पकड़कर या तो यहाँ ड्रैग करूँगा या फिर यहाँ पर ले जाके इसे डाल दूँगा तो एक कंपोजिशन बन जाएगी। ये देखिए, कंपोजिशन नीचे बन गई, ऑटोमेटिक बन जाती है। अब हमें ये करना है कि इसे हमें जहाँ से जहाँ तक शेक इफेक्ट देना है वो पहले सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए हमें कर्सर को वहाँ पर ले जाके छोड़ना पड़ेगा और वीडियो पे जाके पी टाइप करना पड़ेगा। तो पी टाइप करने पर पोजीशन आ जाता है। पोजीशन हमें ये बताता है कि हमें किस पोजीशन से किस पोजीशन तक उसमें शेक इफेक्ट देना है। तो ये देखिए, मेरा पहला यहाँ से पोजीशन मैंने सेट कर दी है ये। अब मैं पोजीशन की क्लॉक पे जा क्लिक करूँगा तो यहाँ पर पहली पोजीशन मेरी सेट हो गई। अब मैं दूसरी पोजीशन मेरी यहाँ पर रखूँगा और इसको मैं यहाँ से इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो मेरी दूसरी पोजीशन सेट हो गई। ये देखिए दोनों पोजीशन। अब मैं इन दोनों पोजीशन को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मेरा, यहाँ पर एक रेगुलर करके ऑप्शन रहता है, इसमें बाकी सेटिंग वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर हमें फ्रिक्वेंसी और मैग्नीट्यूड से काम है। फ्रिक्वेंसी का मतलब यहाँ पर है कि पर सेकंड में कितने बार आएगा और मैग्नीट्यूड में इसका इफ़ेक्ट कितना आएगा। तो ये यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूँगा। ये देखिए, ये सारा यहाँ पर मेरा इफ़ेक्ट लगभग तैयार है। हमें एक काम और करना है, अभी यहाँ पर इसको राइट क्लिक कीजिए अपनी वीडियो पे, कंपोजिशन वाली इफ़ेक्ट पे जाइए, यहाँ से स्टाइलाइज और इधर मोशन टाइल, ये सिलेक्ट किया। यहाँ पर आउटपुट विड्थ हमें देनी है 150। ये क्यों कर रहे हैं हम, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। यहाँ पर आउटपुट हाइट भी 150 देनी है और यहाँ पर मिरर एडजस्ट कर दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है इस पार्ट शेक इफेक्ट के लिए। अब हमारा शेक इफेक्ट तैयार है, लेकिन इसको देखने के लिए हमें पहले इसका रैम प्रीव्यू देखना पड़ेगा या फिर इसकी एक रेंडरिंग प्रीव्यू देखना पड़ेगा। तो हम इसे पहले इसका रैम प्रीव्यू बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये रैम प्रीव्यू बन रहा है, ये ग्रीन ग्रीन करके जितना भी होता जा रहा है इसका मतलब ये रेडी होता जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर हल्का हल्का एक शेक दिखेगा आपको। ये देखिए, ये बिल्कुल हल्का हल्का शेक दिख रहा है। ये एक्शन फिल्मों के लिए काफ़ी अच्छा होता है और जो आजकल एड आते हैं उसमें ये इफ़ेक्ट बहुत बार लिया जाता है, बहुत सारे एड में आपको ये इफ़ेक्ट दिखेगा। और आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि ये इफ़ेक्ट आपको अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक लंबी फिल्म के लिए, पूरी फिल्म में करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल इसका मैग्नीट्यूड और फ्रिक्वेंसी कम रखना पड़ेगी। और अगर आपको थोड़े से टाइम के लिए एक भूकंप जैसा चाहिए तो उसके लिए अभी मैं आपको दूसरी सेटिंग बताता हूँ। तो आप मैग्नीट्यूड और फ्रिक्वेंसी चेंज कर देंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि उस जगह पर भूकंप आ गया है। तो ये देखिए दूसरी सेटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं दिखा दूँ कि इफ़ेक्ट कैसा दिख रहा है। ये हमारा रैम प्रीव्यू तैयार है, यहाँ पर ये देखिए
आपको यहाँ पर बिल्कुल हल्का हल्का एक शेकिंग इफेक्ट दिखेगा, बिल्कुल हल्का सा, जो बड़े स्क्रीन पर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये यहाँ से हमारा शेक इफेक्ट शुरू होता है, ये देखिए बिल्कुल हल्का हल्का यहाँ पर ये यह हिल रहा है, ये देखिए बिल्कुल हल्का सा इफेक्ट है। अगर हम यहाँ पर 150 इसका आउटपुट विड्थ और हाइट सेट नहीं करते और यहाँ पर मिरर एजेस सेट नहीं करते तो हमारे इसके ये चारों जो कॉर्नर है ये पूरी तरह से ब्लैक ब्लैक नज़र आते हैं, लेकिन इसकी वजह से ये ब्लैक नज़र नहीं आते हैं मिरर एडजस्ट करने की वजह से। अब मैं आपको दूसरी सेटिंग बताता हूँ। अब हमें एक बड़ा सा शेक इफेक्ट डालना है तो फ्रिक्वेंसी मैं बढ़ा देता हूँ 15 और मैग्नीट्यूड रख देता हूँ 8। अब अप्लाई किया, देखिए ये हमारा तैयार है। इसका भी एक बार रैम प्रीव्यू करना पड़ेगा। आपको जितना भी बड़ा शेक इफेक्ट चाहिए यहाँ पर हमें बस दो ही चीज़ चेंज करना पड़ती है, एक तो फ्रिक्वेंसी और एक मैग्नीट्यूड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप एक एक बड़े से बड़ा और हल्के से हल्का शेक इफेक्ट ला सकते हैं। यहाँ देखिए अभी से आपको एक शेक इफेक्ट दिख रहा होगा, कितनी तेज़ी से ये स्क्रीन हिल रही है। ये देखिए यहाँ से इफेक्ट शुरू होता है हमारा, ये देखिए कितनी तेज़ी से स्क्रीन हिल रही है जैसे कि कहीं भूकंप आया हुआ है। इस भूकंप टाइप के शेक इफेक्ट देने के लिए इस तरह की आप फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं, और नहीं तो एक बिल्कुल हल्का हल्का जो फिल्मों में और एड में यूज़ होता है वैसा करना चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं। ये दोनों टाइप के मैंने शेक इफेक्ट आपको बता दिए हैं और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से या फिर आपकी नई नई जो भी आपको इसमें क्रिएटिविटी दिखानी है आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, इसमें काफ़ी सारे एक्सप्लोर करें, इसमें और भी कई सेटिंग करके चेंज करके आप नए नए इसमें अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने अभी देखा कि अडोबे आफ्टर इफेक्ट में शेक इफेक्ट कैसे डाला जाता है, जो कि एक्शन फिल्म के लिए और साइंस थ्रिलर इस टाइप की फिल्मों के लिए काफ़ी अच्छा यूज़ होता है और आजकल एड में भी काफ़ी इसका यूज़ किया जाता है, जिससे हमें एक लाइव व्यू टाइप दिखता है या फिर हैंड हैंडल्ड जैसे हम कैमरे को जैसे हमने हाथों से पकड़कर उसको शूट किया हुआ है वैसा दिखता है। लेकिन दरअसल ये पहले से ही एक ट्राइपॉड पे या फिर फिक्स्ड जगह पर रखकर कैमरा शूट होता है, फिर इसे यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट और दूसरी इस टाइप की इफेक्ट वाले सॉफ्टवेयर से इसमें इफेक्ट डाला जाता है जिसे शेक इफेक्ट कहते हैं। तो आपने अभी देखा कि शेक इफेक्ट कैसे डालते हैं, अब आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए और अपनी फिल्म को और जानदार बनाइए और इफ़ेक्टिव बनाइए। तो मैं आपको आपकी फिल्म और क्रिएटिविटी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद।